इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर सात मूक बधिर और दिव्यांग छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत योजना का लाभ इन्हें दिया गया। कलेक्टर इलिया राजा टी ने सभी छात्रों को लैपटॉप मिलने पर बधाई दी। ये मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन के तहत ही बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं। ये योजना जो बच्चे नवी कक्षा में प्रथम पास होके 50% से अधिक पास होके दसवीं में प्रवेश लेते हैं प्रथम बार उन्हें दिया जाता है, एवं आईटीआई में जो बच्चे कोपा ट्रेड में प्रवेश लेते हैं उन बच्चों को लैपटॉप प्रदान किया जाता है। इंदौर जिले में पिछले दो वर्ष में 96 लैपटॉप के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ये 11 बच्चे के लैपटॉप जो थे वो जैम पोर्टल पे 32,000 की प्राइस में नहीं होने से काफ़ी समस्या हो रही थी उसमें। अभी वर्तमान में जैसे ही प्रदर्शित हुए हमने क्रय कर लिए हैं और इन बच्चों को 11 में से 7 बच्चों को दे दिए गए हैं। बाकी बच्चों को सूचना दी गई थी कि तो वो बाहर होने से वो एक दो दिन में आके ले जाएंगे लैपटॉप।